नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी हुई आज की कुछ ताजा फटाफट खबरें। लेकिन उससे पहले आप हिमाचल के किस जिले से ये चैनल देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कोरोना बंदिशों सहित सरकारी नौकरियों पर होगा फैसला, ये रहेंगे कैबिनेट के मुख्य मुद्दे। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक 14 जुलाई को होना प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में कई अहम निर्णयों पर मोहर लगेगी। हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने के बाद बंदिशों पर फैसला लिया जा सकता है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के एक्टिव केस 1100 से ज्यादा हो गए, ऐसे में सरकार मास्क पहनना अनिवार्य कर सकती है। इसके अलावा कुछ और सख्ती भी कर सकती है ताकि कोरोना संक्रमण थम सके। हिमाचल प्रदेश में नहीं होगा सत्ता परिवर्तन, कांग्रेस पार्टी अंत की ओर, कई नेता आ सकते हैं भाजपा में। हिमाचल प्रदेश में सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि कांग्रेस का अंत होकर रहेगा, ये शब्द भाजपा के प्रदेश महामंत्री और वूल फेडरेशन के अध्यक्ष त्रिलोक कपूर ने नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के बयान पर पलटवार करते हुए कहे। पालमपुर में पत्रकार वार्ता के दौरान कपूर ने कहा कि कांग्रेस नेताओं की जबानी जंग वास्तव में अपने अपने वर्चस्व की लड़ाई का कुर्सी युद्ध है। भाजपा नेता ने अग्निहोत्री के इस बयान की सीएम को मानसिक बीमारी हो गई है जैसी अभद्र भाषा की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि कांग्रेस नेताओं की बोलबाणी का अगर ऐसा ही रवैया रहा तो कांग्रेस सत्ता में आने की बात तो दूर, विपक्ष के नेता चुनने लायक भी नहीं रहेगी। 4 दिन का येलो अलर्ट, खराब रहेगा मौसम, नदी नाले भी उफान पर। हिमाचल प्रदेश में कई क्षेत्रों में बरसात में हुई भारी बारिश से 34 सड़कें बंद रही, बिजली के 13 ट्रांसफार्मर और पानी की 69 योजनाएं प्रभावित रही। प्रदेश में नदी नाले भी उफान पर चल रहे हैं। रविवार को जहां ऑरेंज अलर्ट था वहीं आगामी 4 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। पुलिस भर्ती का परिणाम घोषित, यहां देखिए किस जिले में कौन रहा टॉपर, कितने अंक हासिल किए। हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। 3 जुलाई को हुई लिखित परीक्षा में 69,405 अभ्यर्थी उपस्थित हुए थे। उत्तर पुस्तिकाओं के नियमानुसार चेकिंग करने के बाद आज लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया। इंजीनियरिंग के छात्र ने पेट्रोल छिड़ा खुद को आग लगाकर की आत्महत्या। सोलन जिला मुख्यालय में रविवार दोपहर माल रोड के पास चिल्ड्रन पार्क के शौचालय में एक युवक ने खुद पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक के चिल्लाने की आवाज और पार्क में धुआं उठता देख वहां लोग पहुंचे, लेकिन तब तक युवक की मौत हो चुकी थी। मेनापुर सूचना के परियोजना ने बांध से छोड़ दिया पानी, 20,000 मछलियों की मौत। जिला कुल्लू के सेंज घाटी में भारी बारिश के बाद नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया। गत शनिवार को भारी बारिश के चलते निजी परियोजना प्रबंधन ने बिना पूर्व सूचना बांध से पानी छोड़ दिया। इसके चलते ग्रेट हिमालयन ट्राउट फिश फार्म की 20,000 मछलियां मर गईं। घाटी के विभिन्न क्षेत्रों में पानी छोड़े जाने के कारण लोगों की परेशानियां बढ़ी। लोगों ने घर से निकलकर सुरक्षित स्थान पर जाकर जान बचाई। शिवाली बनी वेटलिफ्टिंग प्रशिक्षक, एनआईएस पटियाला में देंगी सेवाएं। चंबा की शिवाली स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की प्रमाणित कोच बन गई हैं। शिवाली का चयन एनआईएस पटियाला के लिए हुआ जहां पर उन्होंने वेटलिफ्टिंग कोच के लिए कोर्स किया। शिवाली स्वयं वेटलिफ्टिंग में हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। इसके अलावा ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी से भाग लेने के साथ साथ 2 बार स्ट्रॉन्गेस्ट वुमन ऑफ हिमाचल भी रह चुकी हैं। 13 जुलाई तक श्रद्धालुओं की मणिमहेश यात्रा पर जाने से रोक। हिमाचल प्रदेश में खराब मौसम को देखते हुए जिला चंबा प्रशासन ने 13 जुलाई तक मणिमहेश यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारी बारिश के चलते मणिमहेश के बीच छनछौ के पास पुल क्षतिग्रस्त हो गया, रास्तों को भी नुकसान पहुंचा है। पुरानी पेंशन बहाली के लिए ऊना में गर्जे एनपीएस कर्मचारी, आधा घंटा एनएचएम। ऊना जिला मुख्यालय में एनपीएस कर्मचारियों ने रविवार को पुरानी पेंशन की बहाली के लिए पेंशन संकल्प रैली निकाली। रैली नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ के जिला अध्यक्ष विजय इंदौरिया के नेतृत्व में निकाली गई। इसमें जिले भर के लगभग 2500 एनपीएस कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए शिक्षा विभाग ने मांगे दस्तावेज। शिक्षा विभाग ने स्कूल से केंद्र सरकार की ओर से संचालित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए 11वीं 12वीं कक्षाओं के विद्यार्थियों के दस्तावेज मांगे। विभाग ने स्कूल प्रमुखों से शैक्षणिक सत्र 2022-23 में छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों से आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जाति प्रमाण पत्र, बीते वर्ष की वार्षिक मार्कशीट, आय प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, रोल नंबर, एडमिशन नंबर सहित अन्य दस्तावेज जमा करवाने के निर्देश दिए हैं। 15 जुलाई को लद्दाख आएंगे तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा, फिर भड़क सकता है चीन।
तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा अपने 2 दिवसीय दौरे के लिए 15 जुलाई को लद्दाख पहुंचेंगे। लंबे समय के बाद अपने धर्मगुरु को अपने बीच देखने के लिए लद्दाख में रह रहे तिब्बती शरणार्थियों में खासा उत्साह है। दलाई लामा के लद्दाख दौरे से एक बार फिर से चीन की दुखती रग दबेगी। कोरोना महामारी के चलते 2 साल बाद दलाई लामा की धर्मशाला से बाहर ये पहली यात्रा है। हिमाचल को आपदा राहत के लिए 171.20 करोड़ मिले। केंद्र ने हिमाचल प्रदेश सरकार को आपदा राहत के लिए 171.20 करोड़ रुपए जारी किए। इसे राज्य आपदा प्रतिक्रिया फंड की पहली किश्त के रूप में जारी किया। इसे वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए दिया गया है। 3 राज्यों हिमाचल प्रदेश, नागालैंड और राजस्थान के लिए 810.80 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई। जनवरी 2022 से मिलेगा 1400 अनुबंध कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान का लाभ। बिजली बोर्ड में कार्यरत करीब 1400 अनुबंध कर्मियों को 1 जनवरी 2022 से संशोधित वेतनमान का लाभ मिलेगा। बिजली बोर्ड प्रबंधन ने इस बाबत कार्यालय आदेश जारी कर दिए हैं। 3500 जूनियर टीमेट और जूनियर हेल्पर का पदनाम बदलकर टीमेट और हेल्पर करने पर सहमति बन गई है। 86 कंप्यूटर ऑपरेटर्स का वेतन कम किए जाने के फैसले को भी वापस लेते हुए पुराना वेतनमान दिया जाएगा। हिमाचल के 3 परिवारों ने अपनी आंखों से देखा खौफनाक मंजर। बादल फटने के बाद टापू में फंस गए थे बच्चे। अमरनाथ यात्रा पर गए हिमाचल प्रदेश के बद्दी के 3 परिवार मौत के मुंह से निकलकर बालाटाल पहुंच गए हैं। उन्होंने अपनी आंखों के सामने मौत का मंजर देखा। पुलिस की मदद से पंचतरणी पहुंचने के बाद यहीं रात भर रुके। शनिवार दोपहर बाद मौसम खुलने के बाद देर शाम को बालाटाल पहुंचे। उधर बादल फटने की सूचना मिलते ही बीबीएन से यात्रा पर गए इन परिवारों के परिजन सहम गए थे। हिमाचल के कॉलेजेस में दाखिलों के लिए इस दिन से खुलेगा ऑनलाइन पोर्टल। हिमाचल प्रदेश के डिग्री और संस्कृत कॉलेजेस में दाखिलों के लिए रविवार 10 जुलाई से पोर्टल ऑनलाइन खुलेगा। 1 अगस्त से कॉलेजेस में नया शैक्षणिक सत्र शुरू होगा। 26 जुलाई तक कॉलेजेस में मेरिट लिस्ट जारी होंगी। 10 से 20 जुलाई तक कॉलेजेस में शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए दाखिले फॉर्म जमा होंगे। अग्निवीर भर्ती के लिए भारतीय सेना ने चंबा में दिया डेमोंस्ट्रेशन। अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर भर्ती की तैयारियां शुरू हो गई हैं। रविवार को भारतीय सेना के डलहौजी मिलिट्री स्टेशन के द्वारा ऐतिहासिक चंबा चौगान में डेमोंस्ट्रेशन का आयोजन किया गया। इसमें जिले भर के लगभग 104 युवाओं ने भाग लिया। इसके अलावा 29 एनसीसी कैडेट्स व 19 एक्स सर्विसमैन भी डेमोंस्ट्रेशन में शामिल हुए। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।